मसल फाइबर से बना है। मसल फाइबर के अंदर क्या है आपके पास? इसकी डिटेल जो है ना ये वो ये है, ठीक है। इसकी सारी की सारी डिटेल मैंने ये लिखी, ठीक है। लेकिन पहले पढ़ते हैं कि एक्शन पोटेंशियल होता है कि पर यहाँ कैसे आता है, ठीक है। हम उन्होंने पढ़ा था एक्शन पोटेंशियल आया नर्व के थ्रू। किस नर्व के थ्रू आया था? मोटर नर्व के थ्रू। ठीक है, यहाँ देख रहा हूँ बना ले, ठीक है। चल इस तरह की डायग्राम थी, ठीक है। कहा था कि आपके पास आया एक्शन पोटेंशियल, जैसे एक्शन पोटेंशियल आया तो यहाँ आपके पास थे ओपन हुए, ठीक है। तो अंदर क्या गया? फिर आपके पास यहाँ क्या था? आपके पास क्या है? सार्कोलिमा। और ये आपके पास क्या है?
ये क्या बनाया है, सात बाजू करके बना। इसी डायग्राम को मैं जरा बड़ा करके बना दिए इस तरीके से कि ये आपके पास क्या है, सार्कोइडोमा, लेकिन ये जो डिप्रेशन है दैट इज इडिपिडियोसिस, ये क्या है सार्कोइडोमा, ये क्या है इडिपिडियोसिस, ये दो चीजें क्या है सार्कोइडोमा। यहां तो समझ आती है, ठीक है, लेकिन सार्कोइडोमा रेटिकुलम के अंदर क्या होता है, कैल्शियम। हम कहते हैं ना कि मसल कॉन्ट्रेक्शन के लिए जरूरी है कैल्शियम, तो ये कैल्शियम कहां से आता है, सार्कोप्लास्टिक रेटिकुलम के, मतलब कि इसके अंदर क्या होता है कैल्शियम होता है। अब ये कैसे रिलीज होता है ये हम पढ़ते हैं, ठीक है। एक और चीज, ये जो डायग्राम मैंने बनाई है, ये बनाई है डीपोलराइजेशन, ये जो मैंने बनाई है कुछ डिफरेंस है दोनों में, या नहीं, किस चीज का डिफरेंस है, चार्जेस का डिफरेंस, ठीक है, डिफरेंस समझ आए डायग्राम में, ठीक है। ये वही डायग्राम है लेकिन मैंने क्या किया है, इससे सेल मेम्ब्रेन को और टी पिपल को जरा रोटेट करके जरा खुला करके बना दिए, ठीक हो गया, ठीक है। तो आप क्या कहते हैं कि जैसे ही आपके पास एक्शन पोटेंशियल आया, किसके थ्रू आया, नर्व के थ्रू आया, अब उसने कहा जाना है, मसल से। लेकिन जैसे ही एक्शन पोटेंशियल आता है कहां जाता है सबसे पहले, ये क्या है सेल मेम्ब्रेन, सार्कोलिमा, सार्कोलिमा से कवर करते करते फिर कहां आता है, जैसे ही वो टी पिपल में आता है, हमने कहा ये क्या है डीपोलराइजेशन, मतलब कि आपके पास स्टिमुलस आ गया। रेस्टिंग में क्या होता है, अंदर पॉजिटिव बाय नेगेटिव, लेकिन जब स्टिमुलस आता है तो अंदर एक्सचेंज होता है, स्टिमुलस फ्रेश होगा, नहीं ये तो बात की बात है। अभी स्टिमुलस कोई भी है, फॉर एग्जांपल आपने किसी गर्म चीज को हाथ लगाया, आपने हाथ उठाना है, मतलब आपने कॉन्ट्रेक्शन करनी है, कोई भी करंट लगा आपने उस चीज दूर करनी है। तो अगर मैं बार बार एग्जाम्पल आपको हाथ की देती हूँ, लेकिन जरूरी नहीं है कि सिर्फ हाथ में मसल है, मसल तो पूरी बॉडी में है और पूरी बॉडी में यही हो रहा है, ठीक है। तो क्या कहते हैं, जैसे ही एक्शन पोटेंशियल आया सार्कोलिमा पे, सार्कोलिमा के बाद कहां आएगा टी ट्यूब, जैसे ही टी ट्यूब में आएगा तो आपके पास क्या होगी डीपोलराइजेशन, मतलब के अंदर पॉजिटिव बाहर नेगेटिव, समझ आ रही, ठीक है, अंदर पॉजिटिव होगा बाहर नेगेटिव होगा, क्लियर हो गया। ये आपके पास समझो कि डीपोलराइजेशन ये रेस्टिंग में, रेस्टिंग में क्या था, अंदर पॉजिटिव बाहर नेगेटिव, लेकिन जैसे ही एक्शन पोटेंशियल आया उसने यहां से ट्रेवल किया और पहुंच गया टी ट्यूब पे, जैसे वो टी ट्यूब पे पहुंच गया तो आपके पास अंदर पॉजिटिव बाहर नेगेटिव हो गया। तो ये जो चार्जेस चेंज होते हैं इसको कौन सेंस करता है, ये रिसेप्टर, एक रिसेप्टर होता है आपके पास टी ट्यूब पे, ये टी ट्यूब है ना, इसके ऊपर एक रिसेप्टर होता है जिससे हमें कहते हैं डायहाइड्रोडाइरिडीन रिसेप्टर, ठीक है। क्या कहते हैं कि जैसे ही एक्शन पोटेंशियल आया, ठीक है, एक्शन पोटेंशियल आया, उसने सार्कोलिमा को कवर किया, टी ट्यूब में आया, चार्जेस को चेंज किया, जो जब ये इसको चेंज किया तो ये किसने सेंस किया, इस रिसेप्टर ने, जिसका नाम क्या था, डीएचआर, रिसेप्टर। जब इसने सेंस किया तो फिर क्या होगा, अगर देखो तो ये रिसेप्टर किसी और के साथ कनेक्टेड है, सेंस किया तो फिर क्या होगा, अगर देखो तो ये रिसेप्टर किसी और के साथ कनेक्टेड है ऐसे स्प्रिंग के थ्रू, ये एक रिसेप्टर है, एक ये रिसेप्टर है, लेकिन ये दोनों आपस में क्या है, ये रिसेप्टर जो है ये सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम का पार्ट है, ये जो रिसेप्टर है किसका पार्ट है, सार्कोप्लाज्मिक का, ये जो है ये किसका पार्ट है, टी ट्यूब, ये किसका पार्ट है, टी ट्यूब, लेकिन ये जो रिसेप्टर है इसका नाम क्या है, रेनोडीन रिसेप्टर चैनल, लेकिन इसका दूसरा नाम क्या है, कैल्शियम रिलीज चैनल। तो क्या कहते हैं कि टी ट्यूब में एक रिसेप्टर है जिसका नाम क्या है, डीएचआर, दैट इज डायहाइड्रोजन रिसेप्टर, ये कनेक्टेड है विद अनदर रिसेप्टर दैट इज रेनोडीन रिसेप्टर चैनल, और ये रिसेप्टर किसका पार्ट है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगर ये देखो कि पूरी डायग्राम में यहां क्या एक्शन पोटेंशियल आ गया, ये रेस्टिंग, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, सुने, ये है टी ट्यूब, इसके ऊपर आपके पास है रिसेप्टर, ठीक है, ये है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसके ऊपर क्या है रिसेप्टर, ये दोनों आपस में कनेक्टेड है विद द हेल्प ऑफ स्प्रिंग, ठीक हो गया। क्या कहते हैं कि रेस्टिंग में तो ये बंद है ना, रेस्टिंग में देखो तो ये सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम उसने बंद किया, ठीक है, अंदर पॉजिटिव है बाहर नेगेटिव, ये रेस्ट है, लेकिन जैसे ही एक्शन पोटेंशियल आया, नजर आया, ठीक है, इधर आ जाए, ठीक, नजर आ रही है, ठीक है।
बाहर कर रहे हो। ये किसने सेंस किया? डीएचआर। जैसे ही रिसेप्टर सेंस करता है तो क्या करेगा कि ये सैक्रल पार्टिकुलम को खोल देगा, मतलब ये जिसको अपनी तरफ खींचेगा। अभी देखेंगे बंद था ना और जगह नहीं थी, इसने क्या किया, इसको अपनी तरफ खींचा और जगह को खोल दिया। जगह जब खुलेगी तो इसका फायदा क्या है कि इसके अंदर के पास क्या था, कैल्शियम, तो कैल्शियम बाहर रिलीज हो जाएगा। जैसे ही कैल्शियम बाहर रिलीज होता है तो आपके पास क्या होती है, कॉन्ट्रैक्शन। कैल्शियम का रिलीज होना मायोसिन के साथ अटैच होना, वो हम आगे पढ़ते हैं। ठीक है, तो क्या कहते हैं, जैसे ही एक्शन पोटेंशियल आती है तो सबसे पहले कहां जाती है, सार्कोलिमा, बट्टे सार्कोलिमा सेल मेंब्रेन। ठीक है, उसके बाद कहां जाती है, साइटोप्लाज्म भी होता है, लेकिन वो साइटोप्लाज्म जो कि मसल में हो, दैट इज सार्कोप्लाज्म।